हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विंग्स। तो देखिए, हमेशा की तरह हम लोग दिन की शुरुआत किससे करते हैं, या तो अमेजिंग कोट्स के साथ, या तो कोई ना कोई ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ, या फिर मतलब किसके साथ करते हैं गाइस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ। बट आज की डेट में गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक गिफ्ट। तो एजुकेशन विंग्स गाइस आप लोग को एक गिफ्ट प्रोवाइड करा रहा है, और वो गिफ्ट है, हम लोग ने कर दी है लॉन्च हमारी मैगजीन। तो मई 2018 की गाइस ये मैगजीन है। इसके अंदर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट ही न्यूज देखने को मिलेंगी गाइस। तो देखिए, अभी तक जो है हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट जो हर दिन की डेली हिंदू की न्यूज, बट यहां पर आप लोग को पूरे इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड भी मिलेगी, पीआईबी से रिलेटेड भी मिलेगी। तो बहुत सारी चीज जो कि एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, और इसमें हम लोग ने फोकस किया है पीआईबी के ऊपर। तो गाइस, पीआईबी एनालिसिस आपको मिलेगी गाइस मई 2018 की, और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए गाइस, और सपोर्ट आप लोग करते रहेंगे तो हम लोग नई नई चीज आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे गाइस। तो ये मैगजीन गाइस आप लोग को कैसे मिल सकती है, तो देखिए आप लोग को क्या करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है #एजुकेशन विंग्स, हैशटैग लिखिएगा, फिर लिखिएगा एजुकेशन विंग्स मैगजीन, राइट, हैशटैग एजुकेशन विंग्स मैगजीन, राइट। तो ये चीज सिर्फ आप लोग को लिखनी है नीचे कमेंट बॉक्स पे। अगर 15 से ज्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया गाइज हैशटैग एजुकेशन विंग्स मैगजीन के ऊपर, तो ये वाली जो मैगजीन है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा गाइज, और जिसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पर आप लोग को पता लग जाएगा कि ये मैगजीन आप लोग को कैसे फ्री में मिलेंगी। बट जब भी गाइज, जब भी मैं ये मैगजीन शेयर करूंगा, जब मुझे 15+ लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे एजुकेशन विंग्स मैगजीन गाइस, बिकॉज हम लोग को गाइस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी बहुत अच्छी चीजें जो है वो आप लोग के लिए लेके आएंगे गाइस। तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे वीडियोस को, और प्लीज शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज हम लोग को आपकी जरूरत है, और आपकी सपोर्ट से ही गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोग के लिए और भी नई नई चीजें जो है वो लेके आएंगे। जैसे कि मैगजीन की शुरुआत तो हो ही गई है गाइस, और आने वाले समय में और भी जैसे कंटेंट वाइज चीजों की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी के लिए, या फिर और भी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जो भी जैसे कि एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज आता है, तो उससे रिलेटेड कोर्स जो है वो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं गाइस, और काफी कुछ चीजें जो कि बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। बट हैशटैग एजुकेशन विंग्स मैगजीन जरूर कीजिएगा गाइस, अगर आप लोग को ये मैगजीन चाहिए तो। सो गाइस, दिस इज कमलाक्ष झा, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट मी एट दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज कमलाक्ष झा @gmail.com। सो गाइस, टुडे इज 13th of July 2018, और हमेशा की तरह जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग सिर्फ अपने ट्यूटोरियल में कौन सी न्यूज डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होती है गाइस। और अगर आप में से कोई भी जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूर से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर एजुकेशनल वीडियोस ही हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं गाइस। सो गाइस, देखिए आज बात कर लेते हैं द हिंदू में हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, आज की डेट में द हिंदू में ज्यादा न्यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ न्यूज जो है वो हम लोग को रिपीटेड देखने को मिली है, और कुछ न्यूज ऐसी हैं जो कि या फिर पॉलिटिकल से बेस्ड है गाइस। तो पॉलिटिकल न्यूज जो है वो हम लोग ज्यादातर नहीं देखते हैं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होती है गाइस। हम लोग बेसिकली फैक्चुअल न्यूज पे फोकस करते हैं, और किस न्यूज पे फोकस करते हैं गाइस, कंसेप्चुअल बेस्ड जो न्यूज होती है गाइस उस पे फोकस करते हैं, जिसपे हम लोग के कंसेप्ट जो है वो कुछ क्लियर हो। और सेकंडली गाइस, इंटरनेशनल न्यूज में भी हम लोग काफी कुछ चीजें जो डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रीवियसली आप लोग ने देखी चुका होगा कि हम लोग की स्ट्रेटेजी किस बेस पर रहती है, राइट। तो गाइस देखिए, आज हम लोग फ्रंट पेज की कुछ न्यूज है उसको डिस्कस कर लेंगे। नेशनल न्यूज कुछ है बट रिपीटेड है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सी रिपीटेड है। इसके अलावा गाइस, इंटरनेशनल न्यूज भी एक आती है वो हम लोग देख लेंगे, बिजनेस न्यूज जो है वो भी है गाइस देख लेंगे, साइंस एंड टेक का रिलेटेड जो कोई पेज नहीं है हम लोग के पास गाइस इसका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, स्पोर्ट्स न्यूज है कुछ देख लेंगे, लाइफ वाली न्यूज गाइस नहीं है आज की डेट में, राइट। सो गाइस, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को कुछ मैप की प्रैक्टिस करवाऊंगा, यानी कि मैं आप लोगों को कुछ लोकेशन बोलूंगा जिस पर्टिकुलर लोकेशन को आपको करना है स्टडी। सेकंडली गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे, और जो भी व्यूअर्स जो है वो आंसर लिखते हैं उन लोग को हम कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं गाइस। इस गिफ्ट के अलावा भी हम लोग एक रिवॉर्ड और प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पे, और वो क्या रिवॉर्ड है गाइस वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में डिस्प्ले करूंगा, या फिर इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा गाइस। तो देखिए, आज के फ्रंट पेज से डिस्कस करना शुरू करते हैं गाइस हम लोग। गाइज, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट आज के न्यूज़पेपर में हम लोग को बहुत ही कम न्यूज़ देखने को मिलेगी गाइज। सो आई थॉट कि मैं आप लोग को बताऊं कि जो हम लोग कौन सी न्यूज़ है वो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं गाइज। आई विल टेक योर 2 मिनट्स जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हम लोग कौन सी न्यूज़ जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है गाइज आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि आप जैसे द हिंदू के अलावा जैसे आपको कोई और न्यूज़पेपर एक बार रीड करनी, आपका फ्री टाइम, आपने सोचा चलो आज इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं, चलो आज कोई और न्यूज़पेपर देख लेते हैं, तो गाइज देखिए क्या होता है कि
आपको पहले ये बात समझना जरूरी है कि कौन सी न्यूज़ जो है वो एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेशन अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप फोकस किस पे करेंगे, टारगेटेड न्यूज़ पे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होती है। सो गाइज देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग पॉलिटिकल टॉक्स जो होते हैं गाइज उसको एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि जो भी नेताओं के बीच में जो चैटिंग्स वगैरह होती रहती हैं कि लोग जो बातें वगैरह बोलते रहते हैं, जो सजेशंस वगैरह देते रहते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस उस पर्टिकुलर सजेशन पे कोई एक्शन ना लिया हो। सो हम लोग एक्शन बेस्ड पे गाइज फोकस करते हैं कि क्या एक्शन हुआ है, राइट, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। टॉक्स में और विचारों में तो गाइज बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बट जब तक उस पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन ना लिया जाए या फिर पर्टिकुलर प्लानिंग ना बन जाए, ऑफिशियल प्लानिंग ना बन जाए, तब तक हम उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंडली गाइज हम लोग क्या चीज़ एलिमिनेट करते हैं, रिपीटेड न्यूज़। तो रिपीटेड न्यूज़ पे गाइज टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार आपने अगर सेक्शन 377 के बारे में पढ़ लिया, जैसे कि हम लोग ने 11th जुलाई में पूरा प्रॉपर सेक्शन 377 के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, सो इसके बार बार इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं गाइज, मैं उन लोग को बता दूं कि प्लीज़ हमारे 11th जुलाई वाला जो न्यूज़पेपर देख लीजिए एक बार, वहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 377 के बारे में प्रॉपरली डिस्कस कर चुका है गाइज। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, जजेस के बीच में गाइज डिस्कशन चल रहे हैं कि इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए कि नहीं किया जाए। कोई कुछ जजेस जो है वो फेवर कर रहे हैं, कुछ जजेस जो है वो इसके अगेंस्ट में है। सो देखिए, अब जब फाइनली जो जजमेंट मिलेगा हम लोग को सेक्शन 377 के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में प्रॉपर पूरी बात करेंगे, इंक्लूडिंग जजेस की क्या राय थी, जजेस ने क्या क्या राय दी है, कौन से जजेस ने क्या क्या चीज़ें बोली, क्या क्या सजेशन दिए, उसके बाद जो ये जजमेंट लिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रॉपर आप लोग को जब ट्यूटोरियल देता हूँ, प्रॉपर टॉपिक पर जब डिस्कशन करता हूँ, तो मैं उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप लोग को बताता हूँ गाइज। तो उसके लिए गाइज ये चीज़ होती है कि हम लोग जो रिपीटेड न्यूज़ है, मतलब इन बिटवीन अनटिल एंड अनलेस जो उसका जजमेंट ना निकल जाए, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं गाइज। तो सेकंड हो गया, रिपीटेड न्यूज़ को हम एलिमिनेट करते हैं गाइज। थर्ड न्यूज़ गाइज इस प्रकार की कभी एग्जामिनेशन में नहीं आती है कि कौन सी कंपनी का प्लेन जो है वो कोलाइड होते होते अभी बच गया। कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो कोई नहीं पूछने वाला ऐसी। सो गाइज ये न्यूज़ थी कल की, जब इंडिगो के दो प्लेन्स थे गाइज वो आपस में टकराते बचे, उनका एंटी कोलिशन जो अलार्म था, अलर्ट था गाइज, वो बजना शुरू हो गया था गाइज। तो इतने पास इतने करीब आ गए थे ये, जिससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई गाइस। तो देखिए ये सब जो दुर्घटना होते होते बच गई, ये तो बड़े बड़े मीडिया वाले न्यूज चैनल जो है वो शो करते हैं गाइस, क्योंकि उनको बेसिकली जनता को आकर्षित करना पड़ता है, टीआरपी अपनी बढ़ानी पड़ती है गाइस। तो उस चक्कर में ये सब करते हैं, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस अब दूसरी न्यूज पे चलते हैं गाइस। तो देखिए ये जो बात है, ये भी हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक साल में जो जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो स्टेट को सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही मिला है, तो ऐसा बोला गया है गाइज एक इंटरव्यू के दौरान। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस किसी ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ हम लोग को ना दिखे, और वो भी ऑफिशियल रिपोर्ट गाइज वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट से थोड़ा ना, अब देखिए आप गाइज किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जी न्यूज़पेपर ने अगर रिपोर्ट निकाली, तो न्यूज़पेपर वाले तो गाइज छानबीन करते रहते हैं, तो उनकी रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए इतनी काम में नहीं आती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अनटिल एंड अनलेस किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल कमेटी ने वो रिपोर्ट ना निकाली हो गाइज। तो यही चीज़ मुझे आपको समझानी है गाइज, कौन सी न्यूज़ जो है हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं गाइज। तो दीज आर द फ्यू न्यूज़, एंड सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप लोग को कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको ऑलरेडी पता है, तो प्लीज आपके पास बिल्कुल एक ऑप्शन है फॉरवर्ड करने का वीडियो, आप प्लीज कर दिया करो गाइज, बिकॉज हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको मैं प्रॉपरली अंडरस्टैंड करूं, क्योंकि बिकॉज देखिए गाइज यहां पर जो ऑडियंस रहती है गाइज, कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिनको ऑलरेडी टॉपिक्स के बारे में पता है, बट कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिनको नहीं पता है। तो हम लोग मैं जो करता हूं गाइज ओवरऑल सभी को कवर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं उन लोग से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोग को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। सो गाइज आपके पास बिल्कुल यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे वीडियो को फॉरवर्ड करने का, तो प्लीज गाइज आप कर लिया करें, और मन में थोड़ी बहुत गाली वक्त तो चलेगा यार। सो गाइज देखिए अब इसके अलावा देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, ये जो न्यूज़ है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर मैंने यहाँ पर न्यूज़ रखी, जिसको आपको पता लगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो किस किस चीज़ों से बढ़ रहा है गाइज। तो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस भी कर चुका है, एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है मैंने वाली न्यूज़, और रिपीटेड न्यूज़ भी है गाइज ये। तो देखिए इन्फ्लेशन हम लोग को ऑलरेडी पता है कि फ्यूल के कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण जो महंगाई जो है वो गाइज बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि यहाँ पर महंगाई जो है गाइज 5 महीनों में सबसे ज़्यादा जो है इसमें महंगाई हम लोग को देखने को मिली, तो 5% इन्फ्लेशन जून के अंदर हम लोग को देखने को मिला है गाइज। और ये डेटा किसने रिलीज किया था, ये डेटा रिलीज किया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। तो याद रखिए गाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जामिनेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं गाइज हम लोग।
फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल लीडर एंड एजुकेशनिस्ट दादा जेपी वसवानी जी की गाइस डेथ हो गई है 99 की ईयर्स में। गाइस ये पास अवे हो गए हैं, गाइस इनकी डेथ हो गई है। सो गाइस देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इनकी इंपॉर्टेंस आपको आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ही हम लोग को देखने को मिलेगी। गाइस तो कैसे देखने को मिलेगी, हम कैसे समझ सकते हैं, तो इनका द हिंदू के अगर न्यूज़पेपर का लास्ट पेज अगर आप देखें गाइस, सबसे लास्ट पेज, तो ये पूरा पेज गाइस दादा जेपी वसवानी जी को डेडिकेटेड है गाइस। और इसके अलावा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं गाइस, तो उन्होंने भी बेसिकली एक स्पीच दी है दादा वसवानी जी से रिलेटेड गाइस। तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बट उससे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर न्यूज़ गाइस, तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है दादा वसवानी जी के बर्थडे को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या फिर उनके बर्थडे को कौन सा डे जो है मनाया जाता है। सो गाइस इनका बर्थडे आता है 2nd of August में और इनके बर्थडे पे गाइस ग्लोबल फॉरगिवनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे जो है ये दादा जेपी वसवानी जी के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो अब नहीं रहे हैं, 99 की उम्र में इनकी डेथ हो गई है गाइस। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग को ध्यान में देना है गाइस। सो बेसिकली इन्होंने 3 बेसिकली जर्नल्स को एडिट किया है गाइस, जिसमें से इंक्लूडेड है एक्सेलसर जो कि काफ़ी पॉपुलर जर्नल है, और इंडिया डाइजेस्ट है गाइज, और ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज है गाइज। तो दीज आर द 3 जर्नल्स और ये 3 मंथली जर्नल्स हैं गाइज। याद रखिएगा, आप लोग से वीकली बोल के आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है यूपीएससी, तो यूपीएससी एक एक वर्ड से ही लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि मंथली लिखा है तो उसकी जगह आप लोग को वीकली लिखा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? तो मंथली याद रखिएगा। सेकंडली गाइज, इनका जो मिशन था गाइज, उस पर्टिकुलर मिशन का नाम था साधु वसवानी मिशन। सो इस मिशन के थ्रू गाइज ये लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते थे एजुकेशन को लेकर, क्लीननेस और हाइजीन को लेकर, और भी कुछ चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते थे। जैसे कि हम लोग ने बात करी ग्लोबल फॉरगिवनेस डेज, यानी कि पीसफुल और ब्रदरहुड पे गाइज ये ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए इनके बर्थडे को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जो साधु वसवानी मिशन जो था, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही सब था गाइज, और स्पेशली टारगेट करते थे ये गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को। सो दीज आर द ऑल थिंग विच यू नीड टू नो गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं और ग्लोबल फॉरगिवनेस डेज और अगस्त 2 जो है डेट याद रखिएगा दादा जेपी वसवानी जी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस। तडीपत्री स्टील फैक्ट्री, तो यहाँ पर गाइस बेसिकली कल एक गैस जो है वो लीक हो गई थी और उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस इस गैस के लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई है गाइस। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तडीपत्री स्टील फैक्ट्री, जहाँ पर जो गैस लीक हुई है अभी रिसेंटली, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन लोगों ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए थे, उस कारण से जो है ये गैस लीक हुई थी। और तडीपत्री स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये अन्नापुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है गाइस। तो अन्नापुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश जो है वो याद रखिएगा, तडीपत्री स्टील फैक्ट्री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो बेसिकली रिपीटेड न्यूज़ है एक तरह की, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट इसके अंदर एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी गाइस, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने एक चीज़ बताई है गाइस। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो आयुष्मान भारत मिशन या फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन से रिलेटेड है, जिसके बारे में कल अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था गाइस। तो यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि आयुष्मान भारत मिशन के अंदर जो है वो जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनके पास जो है आधार कार्ड होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है गाइस, तभी उनको बेसिकली जो है यहाँ पे सर्विसेज जो है दी जाएगी इन पर्टिकुलर बेनिफिशियरीज को। तो गाइस देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है जेपी नड्डा जी, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आधार कार्ड जो है वो सर्विसेज अवेल करने के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मैंडेटरी है ताकि लोग को ऑथेंटिकेशन जो है पता लग सके, या कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है इस बारे में पता लग सके। तो गाइस इट इज़ वन एंड द सेम थिंग इज़न्ट इट, कि यार कोई इंसान जो है वो आएगा ऑफिस में अपनी जो सर्विसेज अवेल करने के लिए, तो उसको बेसिकली पूछा जाएगा कि आप आधार कार्ड दिखाओ तभी आपको ये बेनिफिशियरी दी जाएगी, या फिर आप आधार कार्ड तो दिखाओ आपकी आइडेंटिटी के लिए, तो उसको आधार कार्ड एनी हाउ दिखाना ही पड़ेगा जब उसको ये सर्विसेज जो है वो अवेल करनी है। सो आई डोंट नो कि इस पे जो क्लैरिफिकेशन जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने क्यों दिया है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, जब ये बात जो है वो बिल्कुल सेम ही बात की गई है कि ऑथेंटिकेशन, मतलब कोई भी आएगा तो ऑथेंटिकेशन के लिए तो उनसे बोलेंगे कि आपकी आईडी दिखा, और आईडी के नाम पे उन्होंने आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बताई गई है कि जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया वो 31 मार्च 2019 तक आधार कार्ड बना ले, नहीं तो इनको बेसिकली ये वाली सर्विसेज जो है वो नहीं मिलेगी। अंटिल एंड अनलेस सेम थिंग है गाइस, पता नहीं क्यों क्लैरिफाई किया गया है। तो यही चीज मुझे आप लोग को बतानी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कभी कभी ऐसी चीज जो होती है जो कहीं क्रिटिसिज्म ना पड़ जाए तो गवर्नमेंट उसको दूसरे वे में बता देती है, बट वो होती सेम ही है गाइस, राइट? तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस। तो देखिए, ये एक रिपीटेड न्यूज़ है राइस 2018 के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ने बात करी थी गाइस, जो कि अभी रिसेंटली कहाँ पर हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है गाइस। सो यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंडिया के करीबन 200 स्टार्टअप्स जो हैं गाइस वो पहुँचे हैं यहाँ पर, और काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कशन चल रही है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर दिया है गाइस, राइस 2018 के बारे में गाइस। तो राइस 2018 के बारे में मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था, जिसका आंसर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने दे दिया है गाइस। तो जिसको राइस 2018 के बारे में जानना है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा गाइस। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं अब हम लोग।
फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, गाइज, वो 3 दिन की विजिट में गए हुए हैं बांग्लादेश, और आज से इनकी विजिट जो है गाइज वो शुरू हो गई है। सो गाइज देखिए, बांग्लादेश में जाकर ये एक MOU साइन करने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं गाइज, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी गाइज रिवाइज ट्रैवल अरेंजमेंट्स को लेकर। सो वॉट इज रिवाइज ट्रैवल अरेंजमेंट? सो गाइज, इस पर्टिकुलर MOU के थ्रू जो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो वीजा रिस्ट्रिक्शन हैं गाइज जो कि बांग्लादेश में हम लोग ने लगाए हुए हैं, वो हम लोग ईज कर देंगे, यानी कि इंडिया जो है बांग्लादेश पे वीजा रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने वाला है गाइस इस पर्टिकुलर MOU के थ्रू, जिसका नाम है रिवाइज ट्रैवल अरेंजमेंट। याद रखिए गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए, दिस इज द क्वेश्चन। सो गाइस, हम लोग को पता है कि बांग्लादेश के जो सिटीजन हैं वो इंडिया के अंदर आकर एज अ रेफ्यूजी बन जाते हैं। अब रेफ्यूजी कैसे बन जाते हैं गाइस? तो रेफ्यूजीज कौन लोग होते हैं? जिनके पास आइडेंटिटी नहीं होती किसी भी कंट्री की, यानी कि पास किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं होता उनके पास, उन लोग को रेफ्यूजी बोला जाता है। सो गाइस देखिए, बांग्लादेश की सिचुएशन हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो वो लोग जॉब्स के लिए इंडिया के अंदर आते हैं गाइस, और इंडिया में आने के बाद जो है वो वीजा लेके आते हैं, पर वो वापस नहीं जाते हैं इंडिया से, राइट? और यहां पर जो है उनका वीजा के जो टर्म होता है वो फिनिश हो जाता है, और वो एज अ रेफ्यूजी यहां पे रहते हैं। तो चलिए एक छोटा सा इंटरनेशनल रिविजन कर लेते हैं। तो हम लोग ने बात करी थी गाइस अभी रिसेंटली, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया था पूरी दुनिया में। किस लिए किया गया था गाइस? कि वहां पर काफी सारे इंडियंस जो है वो डिटेन कर दिए गए थे और उनकी फैमिली से उनको अलग कर दिया गया था। अब ये इंडियंस कौन थे गाइस? तो ये रेफ्यूजीज थे जो कि कनाडा से यूएसए में एंटर कर रहे थे, और काफी सारे ऐसे इंडियंस थे गाइस जिनको पकड़ लिया गया था, जिनका वीजा टर्म जो है वो खत्म हो गया था। तो गाइस उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश से भी इंडिया में काफी सारे लोग जो है वो एंटर होते हैं, और जो फिर वापस नहीं जाते हैं, और एज अ रेफ्यूजी जो है वो अंदर यहां पर इंडिया में रहते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए इंडिया ने जो है काफी सारे रेस्ट्रिक्शन यहां पर लगाए थे वीजाज में, राइट, बांग्लादेशीज के। सो आर यू, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? है ना, अब क्लियर हो गया सब कुछ, राइट, अच्छे से? तो देखिए, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, अब ये रेस्ट्रिक्शन जो है गाइज वो फिनिश अप कर देंगे। और इसमें जो बांग्लादेश डिमांड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन हैं गाइज वो सीनियर सिटीजन्स के लिए कम कर दिए जाएं, यानी कि जो भी मतलब जो वीजाज होते हैं गाइज इंडिया के लिए, वहाँ पे जो काफ़ी कम वीजा दिया जाता है लोगों को, या फिर नहीं दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उन्होंने बोला कि एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स को और मुक्ति योद्धास को जो है वो उनको कंसेशन दिया जाए वीजाज को लेकर, राइट, मतलब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन को लेकर और वीजाज को लेकर जो है उनको कंसेशन किया जाए, इनके वीजाज पे जो है गाइज ईज किया जाए। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन गाइस? तो मुक्ति जोदास, व्हाट इज मुक्ति जोदास? सो गाइस, मुक्ति जोदास क्या है? तो देखिए, ये जो ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1971 लिबरेशन वॉर में। सो 1971 लिबरेशन वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, और मुक्ति जोदास गाइस, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ई वीजा, मतलब ये ईज वीजा के बारे में आप लोग को पता ही लग गया है कि किस प्रकार से हम लोग जो इस ये जो MOU जो होने वाली है वो ईज वीजा को लेकर होने वाली है। सेकेंडली, मुक्ति जोदास और सीनियर सिटीजन पे बांग्लादेश जो है वो डिमांड कर रहा है। अब हम लोग MOU में क्या करते हैं, किस प्रकार से हम लोग रिस्ट्रिक्शंस को क्लियर करते हैं, वो आने वाले समय में देखेंगे गाइस। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है गाइस, जो कि है कि जो हम लोग ने जो है ई वीजा जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है गाइस काफी सारी कंट्रीज को, यानी कि 150 कंट्रीज को जो है इंडिया ने ई वीजा प्रोवाइड करके रखा है, यानी कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन अपने वीजा को प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीजा के लिए, और उनका वीजा जो है अप्रूव हो जाएगा ऑनलाइन ही। बट इसमें जो है गाइस बांग्लादेश शामिल नहीं है, और उसमें कौन से देश शामिल हैं? USA, UK, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एटसेट्रा। तो काफी सारे देश, यानी कि 150 देश जो है शामिल है, बट बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि लोग यहां पे आते हैं फिर वापस नहीं जाते हैं और एज अ रेफ्यूजी रहते हैं। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं आप गाइज। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बुद्धा ऑफ स्वेट की एक मूर्ति है गाइज, वो कम्प्लीटली रिकवर कर दी गई है। सो ये बुद्धा ऑफ स्वेट की मूर्ति कब की है? तो ये 7th century की आइकॉनिक मूर्ति है गाइज, और इसको बेसिकली डायनामाइट लगाकर 2007 में पाकिस्तानी तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था कम्प्लीटली, स्पेशली इनके फेस को पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो गाइज, अब इनको रिस्टोर कर दिया गया है, और इसको रिस्टोर किया है गाइज किसने? परवेश शाहीन जी ने, और बेसिकली उनकी मदद करी है इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है ल्यूका मारिया ओलिवेरी। तो ल्यूका मारिया ओलिवेरी याद रखिए गाइस, जो कि इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं गाइस। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि बुद्धा ऑफ स्वेट कहां पर है? तो स्वेट इज अ प्लेस इन गाइस पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बुद्धा ऑफ स्वेट की मूर्ति है गाइस, जिसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था 2007 में, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल थिंग गाइस, यू नीड टू नो अबाउट इट। और ये 12 साल के बाद गाइस, 12 साल काम करने के बाद इसको रिस्टोर किया गया है, और उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो कि इन्होंने
इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट ने यूज़ किया था गाइस, जिसमें इन्होंने बताया है कि मतलब लेबोरेटरी में इसको लेके गए थे और 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, लेज़र से बेसिकली इनको सर्वे किए गए थे इनकी ओल्ड फोटोज़ को और फिर इनको बनाया गया था दोबारा से, राइट इसको डिज़ाइन किया गया था। सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग गाइस, और इंटरनेशनल यूज़ आज के लिए यही थी। अब बिजनेस यूज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्टेट के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट वाली प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है गाइस, तो उसकी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताई है फार्म लोन वेवर्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट गाइस का हम लोग को देखने को मिलता है कि जो फार्म के जो लोन्स होते हैं, फार्मर के जो लोन्स होते हैं गाइस, उसको माफ़ कर देती है। तो अब देखिए, उसको माफ़ करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने साइड से जो है वो बैंक को पे करती है इनका लोन बेसिकली, राइट। तो उस पर क्या होता है गाइस, तो ये लोन छोटा मोटा तो होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोन होता है। तो इनका जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है गाइस, इस पर्टिकुलर चीज़ से बढ़ जाता है और उसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइस, वो फिस्कल डेफिसिट से जूझती है। तो देखिए, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, अब क्लियरली इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है गाइस, जब उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उसकी रेवेन्यू से गाइस, तो उसको बोला जाता है बेसिकली फिस्कल डेफिसिट, यानी कि इनका जो इनकम होती है, इनकी जो रेवेन्यू होती है वो बहुत कम होती है इनके एक्सपेंडिचर के मुकाबले। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस फिस्कल डेफिसिट। एंड अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पिन पॉइंट किया है वो फार्म लोन पिन पॉइंट किया है गाइस, और इसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स जो पिन पॉइंट किए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बट यू शुड नो अबाउट व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। एंड सेकंडली गाइज, यू शुड नो अबाउट वॉट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। सो गाइज, बेसिकली जो फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है गाइज, तो उसको बोलते हैं FRBM। सो गाइज, ये पर्टिकुलर बॉडी है जो कि एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये बेसिकली एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, राइट। तो याद रखिएगा, ईयर के साथ याद रखिएगा गाइज, बिकॉज एग्जामिनेशन में ईयर से भी कंफ्यूज किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं डेली टेस्ट के अंदर गाइज, तो देखिए अगर जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं यहां पर डेली टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं गाइस, जो कि रात में 9 बजे इसका डिफॉल्ट टाइमिंग है, बट इसका टाइमिंग जो है वो कभी कभी चेंज होता रहता है, जो कि हम लोग इन्फॉर्म करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली ये FRBM गाइस और भी बहुत सारी चीजें करती है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, बैलेंस बजट कैसे लेके आना है और स्ट्रेंथन कैसे करना है अपने फिस्कल प्रिड्यूएंस को। सो गाइस, इन द सेंस क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट जो आती है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है वो बताती है गवर्नमेंट को, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग विच यू नीड टू नो इन बिजनेस सेक्शन गाइस। और बिजनेस सेक्शन की एक न्यूज और है गाइस, जिसके बारे में भी और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसर पोर्ट लिमिटेड जो है गाइज, वो बेसिकली एक पार्ट है इसर ग्रुप का, और इसर ग्रुप जो है गाइज, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो गाइज, ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो ये $50 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए गाइज। तो अभी जो बेसिकली इनकी हैंडलिंग कैपेसिटी है 95 मेट्रिक टन्स पर एनम की, और इसको 110 मेट्रिक टन्स पर एनम में इन लोग कर देंगे गाइज फाइनेंशियल ईयर 2019 से, राइट। और इसके इसर पोर्ट के गाइज मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है राजीव अग्रवाल जी, जो कि है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। तो ये अपनी फैसिलिटी कहां कहां पे प्रोवाइड कराएंगे, तो ये हजीरा में प्रोवाइड कराएंगे और विजाक में। तो हजीरा गाइस इज इन गुजरात, एंड विजाक जो है वो बेसिकली पहले विशाखापट्टनम को विजाक के नाम से जाना जाते थे गाइस, और ये जो विजाक जो है वो विशाखापट्टनम है, राइट। तो विशाखापट्टनम और गुजरात में अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज करके 95 से 110 जो है वो कर देंगे गाइस। सो और उसके लिए $50 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग विच यू नीड टू नो। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं गाइस। तो ये एक तरह की रिपीटेड न्यूज है, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि चाइना जो है वो इंडिया से जो फार्मा यानी कि उसकी मेडिसिन जो है वो इंडिया से परचेज करते हैं गाइस। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो होता है इंडिया से मेडिसिन का चाइना में होता है। उसका रीजन है गाइस कि इंडिया की मेडिसिन जो है वो चीप है एज कंपेयर टू मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, जिसके बारे में हम लोग ने पहले बात करी थी, जैसे कि यूएसए। और बोला जा रहा है कि ड्रग मेकर्स को चाइनीज लाइसेंस 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब इंडिया में मतलब जो चाइना के अंदर जो है इंडियन मेडिसिन और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, इंडिया और भी ज्यादा मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करेगा चाइना में, और यूएसए से गाइस ये मेडिसिन जो है वो परचेज नहीं करने वाले हैं। उसके जो ट्रेड जो है वो यूएसए से मेडिसिन के अंदर जो है वो कम देखने को मिलेगा हम लोग को चाइना में, राइट। तो दिस इज एटलीस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप ये चीज रखिए, आप मेंस में इसके बारे में लिख सकते हैं कुछ, राइट। और नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं गाइज। तो यूरोपियन यूनियन गाइज की बात की जा रही है कि वहां पर जो है वो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है हम लोगों को, किस चीज में गाइज, ग्रोथ में। तो वहां पे जो है कंट्रीज जो है, जैसे यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स हैं गाइज, तो वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किसकी वजह से हुआ है गाइज, ऑयल की वजह से, फ्यूल की वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है। तो अभी से जो फ्यूल के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, उसके कारण महंगाई जो ज्यादा बढ़ गई है, और हर जगह गाइस ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हम लोग को पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो इसके जो यूरोपियन यूनियन ने अपने ग्रोथ के फोरकास्ट को जो है गाइस जो कट कर दिया है, मतलब उनको समझ में आ गया कि हमारा ग्रोथ जो है वो आने वाले समय में नहीं होने वाला है ज्यादा अच्छा। अब गाइस नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज यहीं तक थी, अब स्पोर्ट्स न्यूज की बात करेंगे।
फ्रेंड्स हीमा दास जी को गोल्ड मिल गया है गाइज, IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप गाइज खत्म हो गई है जो कि फिनलैंड में हो रही थी गाइज, और इसके अंदर गाइज इनको वुमेन्स 400 में गोल्ड मिल गया है गाइज, और किस चीज में, वुमेन्स अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में गाइज। तो याद रखिएगा IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप और वुमेन्स 400 मीटर में इनको बेसिकली गोल्ड मिल गया है वुमेन्स अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में। 18 ईयर्स की है गाइज, ये असम से बिलोंग करती हैं, और गाइज इनका जो टाइमिंग है वो बेसिकली हिस्टोरिक टाइमिंग रहा है गोल्ड के लिए, और ये 51.46 सेकंड रहा है। तो याद रखिएगा इस टाइमिंग भी, बिकॉज UPSC जो है वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप लोग को कंफ्यूज करके जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो कभी कभी स्पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज होती है गाइज वो UPSC फोकस करता है, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं गाइज। तो हीमा दास जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं गाइज, तो ये बात हो रही है गाइज अनीश भनवाला जी की और मनु भाकर जी की। तो गाइज इन्होंने बेसिकली जूनियर्स मैन रैपिड फायर पिस्टल और जूनियर्स वुमेन एयर पिस्टल में गोल्ड हासिल कर लिया गाइज इन दोनों ने, और बेसिकली ये अभी कहाँ पर हुई है गाइज, ये बेसिकली शेज रिपब्लिक में हुई है गाइज, 28th मीटिंग ऑफ शूटिंग होप्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो याद रखिएगा 28th मीटिंग ऑफ शूटिंग होप्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप शेज रिपब्लिक। ऑलराइट, सो गाइज दिस इज द ओवरऑल थिंग, और ये इसके रिजल्ट हैं गाइज, जूनियर मैन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 50 मीटर राइफल प्रोन, जूनियर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल प्रोन के रिजल्ट। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके रिजल्ट देख लीजिएगा अगर आप को देखना है तो। बाकी इंपॉर्टेंट इज अनीश बनवाला एंड मनु भाकर, तो इनका नाम याद रखिएगा गाइज, राइट। और गाइज अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए गाइज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज वेयर इज सबंग पोर्ट लोकेटेड, बिकॉज आज ज्यादा न्यूज नहीं थी तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है गाइज। तो सबंग पोर्ट आप बता दीजिए कहां पर लोकेटेड है, और देखिए गाइज जो भी आंसर लिखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे उनको हम लोग क्या रिवॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए गाइज आपके आंसर को हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर मैं बोलूं टेलीग्राम चैनल पे जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें हम लोग शेयर करते हैं गाइज, और वो बिल्कुल फ्री है गाइज। उस पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन करना, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए चैनल में को, बिकॉज वहां पर आप लोग को हम ये वाली जो पूरी PDF है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं गाइज। तो और भी काफी सारी चीजें जो है वहां पे आप लोग को मिलती हैं टेलीग्राम ग्रुप में, काफी सारी इंफॉर्मेशन। और गाइज हैशटैग एजुकेशन विंग्स मैगजीन जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, और 15 से ज्यादा अगर मेरे पास कमेंट आते हैं तो गाइज मैं आप लोग को वाली जो मैगजीन है उसकी PDF शेयर कर दूंगा बिल्कुल फ्री में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज इसको हिट करने से गाइज हमारी डेली अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच जाएंगी। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।